किड स्पेशल रेसिपी में मैं आपके साथ एक सुपर क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैन लेंगे जिसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 to 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। तुरंत ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला, और बस इसको हम एक बार अच्छी तरीके से सौते कर देंगे जिससे कि जो कच्चापन है मसाले का वो निकल जाएगा। तो जैसे ही मसाले अच्छी तरीके से भुन जाते हैं, इसमें हम ऐड करने वाले हैं बॉईल किए हुए पोटैटोस। तो 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोस लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। बस इसको हमें एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, अगर आपको वो गरम मसाला ऐड नहीं करना है तो यहाँ पे आप लोग मैगी मसाला ऐड करें जिससे कि जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। चॉइस आपकी है, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो सारे मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 नींबू का रस, और फिर हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल सोबर स्टफिंग बनाई है, यानी कि कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें ऑनियन, कैप्सिकम, कॉर्न या अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स लेकर ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो जाती है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसे मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पे मैंने ली है एक स्वीट ब्रेड जिसको बोलते हैं बन पाओ, इसको मैंने बीच में से कट कर दी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर, तो दोनों साइड अच्छी तरीके से हमें बटर लगा लेना है। तो यहाँ पे आप अपने पसंद की कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, यानी कि पाव ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है ये बन पाव, तो बन पाव का टेस्ट मुझे स्वीट लगता है, अच्छा लगता है, इसके लिए इसमें ये टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 साइड बटर लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो फिर से हमें दोनों साइड अच्छी तरीके से ग्रीन चटनी लगा के फैला देना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं टोमेटो केचप, तो दोनों साइड अच्छी तरीके से टोमेटो केचप को स्प्रेड कर दें। आप चाहे तो इसी के साथ मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस अभी हमने जो स्टफिंग प्रिपेयर करके रखी थी वो हमने इसके ऊपर रख दी है, और इसके ऊपर हम थोड़े से चॉप किए हुए ऑनियंस ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर रखने वाले हैं मसाला चिप्स। आप अपने पसंद की कोई भी फेवरेट फ्लेवर की चिप्स ले सकते हैं, और इसे हम बंद कर देंगे और ये सुपर टेस्टी बच्चों के लिए फेवरेट स्नैक्स बनकर रेडी हो जाता है। तो आप लोग बच्चों को ये टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। एंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड एंजॉय करें ये रेसिपी को। सो हैव अ गुड डे।